ढाई किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। वेल, ये डायलॉग आपने शायद एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सुना होगा, और जितना दमदार ये डायलॉग है उतनी ही दमदार इसे बोला गया है, वो भी बेहतरीन एक्टर के द्वारा जिसका नाम है सनी देओल। और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के तारीख पे तारीख मांगने वाले सुपर टैलेंटेड एक्टर सनी देओल के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड में घातक दामिनी और गदर जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में अपने नाम की हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सनी देओल ने अब तक अपने फिल्मी सफर में दो फिल्म फेयर और दो राष्ट्रीय पुरस्कार कमाए हैं। तो वहीं अगर बात करें सनी देओल के जन्म की, तो 19 अक्टूबर 1956 में अभिनेता धर्मेंद्र के घर में इनका जन्म हुआ था। इनकी मां का नाम प्रकाश कौर है और इनकी सौतेली मां है हेमा मालिनी, जो हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। तो वहीं अगर इनके फैमिली मेंबर्स की बात की जाए तो इनके एक भाई हैं जिनका नाम बॉबी देओल है, और दो बहनें हैं और दो सौतेली बहनें भी हैं। बॉबी देओल जो कि एक फिल्मी एक्टर हैं, और इनकी सगी बहनें का नाम है अजीता और विजेता, जो कि कैलिफोर्निया में रहती हैं। तो वहीं अगर इनके सौतेली यानी कि स्टेप सिस्टर्स की बात की जाए तो इनकी दो स्टेप सिस्टर हैं जिनका नाम है ईशा देओल और अहाना देओल, जो कि हेमा मालिनी की बेटियां हैं। इनके एक चचेरे भाई भी हैं जिनका नाम है अभय देओल, जो कि हिंदी फिल्मों के एक सफल अभिनेता है। इसके अलावा अगर बात करें सनी देओल की लव लाइफ के बारे में, तो आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सनी देओल ने अरेंज मैरिज की है और उनकी बीवी का नाम है पूजा देओल। और शादी के कुछ सालों बाद उनके जिंदगी में दो नन्हे मेहमान आए जिनका नाम सनी देओल ने रखा करण और राजवीर देओल। तो चलिए अब बात करते हैं सनी देओल के फिल्मी सफर के बारे में। सनी देओल एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता बीते जमाने के मशहूर अभिनेता और सिनेमा मैन के नाम से मशहूर रहे हैं, और धर्मेंद्र की सुपर डुपर हिट और फेमस फिल्मों ने ही सनी देओल के करियर को सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचाया, ये कहना गलत नहीं होगा। सनी देओल ने अपने करियर की शुरुआत ईयर 1984 में फिल्म बेताब से की थी, जिसमें उनके ऑपोजिट नजर आई थी एक्ट्रेस अमृता सिंह। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी अच्छी खास कमाई की थी कि सनी देओल उनकी पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, और साल 1985 में वो फिल्म अर्जुन में एक बेरोजगार लड़के के रोल में नजर आए। इस फिल्म में उनका एक्टिंग देखने के बाद क्रिटिक्स ने उनको काफी पसंद किया, और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई फिल्में बैक टू बैक हिट दी, जिसमें से यतीम, चालबाज और सल्तनत जैसी फिल्में भी शामिल हैं। 90 के दशक में सनी के कई सुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में काम किया है। इस दशक में उन्हें राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म घायल भी की, जिसके लिए उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर अवार्ड के साथ नवाजा गया, और इसी के साथ उन्हें यहाँ पर मिला राष्ट्रीय पुरस्कार भी। तो वहीं अगर बात करें साल 2001 में उनकी फिल्म फर्ज की, तो इस फिल्म में उनके ऑपोजिट प्रीति जिंटा नजर आई थी, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी ताबड़तोड़ कमाई की थी कि हर जगह सनी देओल का नाम जुबां पर था। इसके बाद वो फिल्म गदर एक प्रेम कथा में नजर आए, जो कि अपने ही जमाने की एक जानी मानी लेजेंडरी फिल्म बन गई। इस फिल्म में उनके साथ अमीषा पटेल आपको नजर आई थी, और जिसकी हर तरफ जमकर वाहवाही हुई थी, चाहे फिर इस फिल्म के गाने हो या फिर दमदार डायलॉग्स या फिर इस फिल्म में सनी के एक्शन सीन्स, हर किसी के जुबान पर एक नाम था, तो वो था सिर्फ सनी देओल। फिर उसके बाद साल 2003 में वो फिल्म हीरो 10 पाई में एक बार फिर प्रीति जिंटा के और प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट नजर आए, और इस फिल्म में उनका एक डिटेक्टिव का रोल था, और अपनी दमदार एक्टिंग के कारण सिनेमा घरों के बाहर काफी ज्यादा भीड़, उन्हीं की वजह से यह फिल्म जुटा पाई और फिल्म आखिरकार सुपर हिट साबित हुई। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी सफल तीसरी फिल्म थी। इसके बाद वो फिल्म यमला पगला दीवाना में अपने पिता धर्मेंद्र और बॉबी देओल के साथ नजर आए। हालांकि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करके गईं, लेकिन इसके बाद भी सनी देओल का खुमार उनके चाहने वालों के दिल और दिमाग से नहीं उतरा, और हाल ही में आई फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में सनी देओल ने अपनी वो ही दमदार एक्टिंग से सबको एक बार फिर मंत्रमुग्ध कर दिया।
नेक्स्ट नाइन लाइफ से शिवानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।